सैयद राजा थाने से है, जहां पर सैयद राजा थाने में बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष विशाल मदेशिया और पुलिसकर्मियों के बीच मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के विरोध में मंगलवार की रात बीजेपी नेता थाना परिसर में ही धरने पर बैठ गए। दबाव के बाद आरोपी दरोगा जयप्रकाश यादव सहित चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया। बुधवार की शाम दरोगा जयप्रकाश यादव ने भी विशाल मदेशिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है और आरोप लगाया है कि बीजेपी नेता संतरी ड्यूटी में तैनात सिपाही की जो इंसास राइफल है उसे छीन रहे थे और उनसे अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। तो बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो धरने पर बैठे रहे थाने में, जिसके बाद अब खबर ये आ रही जहां पुलिस कर्मियों के खिलाफ FIR लिखी गई है, लेकिन अब दरोगा ने भी उस पर आरोप लगाए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पेश आ रहे हैं ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, और SI ने भी बीजेपी कार्यकर्ता के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। दोनों के बीच नोकझोंक का वीडियो वायरल हो गया है और संतरी जो है उसकी इंसास राइफल छीनने की भी बात सामने आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो SI को कंधे पे धक्का देता हुआ नजर आ रहा है और इस नोकझोंक का वीडियो वायरल हो गया है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं इनकी दबंगई किस तरह की, खाकी से किस तरह पेश आ रहे हैं। अगर आपकी कोई शिकायत है आप उससे कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का व्यवहार कहीं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब बात करेंगे वैक्सीनेशन में वसूली खबर।